कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन जिस प्लेनेट पे खड़े, सही है, मैस उस सब्जेक्ट का मैस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिस प्लेनेट पे खड़े हो, सही है। अच्छा अब देखो, पहले हम अर्थ का निकालते हैं। भाई अर्थ का मैस कितना भाई ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं हूँ, लेट्स सपोज मेरा मैस 50 kg, 50 kg मैस, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज 10, है ना, तो क्या है 500। अब मुझे बताओ कि वेट का यूनिट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स, जल्दी से बताओ, वेट के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस ऑफ कोर्स न्यूटन लगाएंगे, सही है, न्यूटन लगाएंगे, सही है, ओके। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने क्या फाइंड करना है, एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 50 केजी, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड व्हाट इज इट्स वेट ऑन द डिस्टेंट प्लेनेट। अच्छा सही हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। भाई ये हमने फाइंड कर लिया अर्थ का, किसका, जिस पे बैठे हुए हैं, जिसमें मैं बैठ के आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, अर्थ का फाइंड कर लिया। अब आ जाओ भाई डिस्टेंट प्लेनेट का फाइंड करते हैं, किसका, डिस्टेंट प्लेनेट का फाइंड करते हैं। अच्छा भाई मैस जो है, बेसिकली मैस होता है अमाउंट ऑफ मैटर, चाहे सन पे क्यों ना चले जो, प्लूटो पे चले जो, नेपट्यून, यूरेनस, मरकरी, वीनस, जहाँ भी चले जो, आपका मैस सेम रहता है, तो मैस आपका ये होगा 50 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन, कौन सी भाई, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन आप लोगे जिस प्लेनेट पे खड़े हुए हो, ठीक है, फोर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा, आएगा हमारे पास 200 न्यूटन। अब मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ, हाँ मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। भाई हमने ये किया, हमें बताया वेट निकालने का तरीका क्या है, वेट इज इक्वल्स टू मैस मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिस प्लेनेट पे खड़े हो, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई थी, ठीक है, हमने अर्थ का निकाल लिया। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि आप ना क्या किया, आप अर्थ से उड़ के चले गए एक और प्लेनेट के ऊपर, भाई अब वो प्लेनेट जो था वो अननोन था और वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये है, सही है, तो वहाँ का वेट आपका क्या होगा, भाई मैंने सिंपली अपना मैस लगा दिया और वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लगा दी, मेरे पास वेट आ गया। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे बताओ कौन सा आंसर सही आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, जल्दी, अर्थ पे कौन सा है भाई, अर्थ पे आपके पास है 500 न्यूटन है ना, और डिस्टेंट प्लेनेट पे कितना है 200 न्यूटन है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर आ रहा है डी, ठीक है, इज इट क्लियर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई ये हमारे पास एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट है हमारे पास, ठीक है, मैं बना रहा हूँ एक मिनट, भाई एस्ट्रोनॉट है, सही है, और भाई ये एक ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट में है, ठीक है, और ये ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, सही है, अच्छा ओके, दिस फोर्स इज लेस देन व्हेन शी इज ऑन द अर्थ सरफेस कंपेयर्ड विद बीइंग ऑन अर्थ सरफेस, हाउ डू हर मास एंड हर वेट चेंजेस विद व्हेन शी गोज इनटू, अच्छा सही है भाई, आपके पास अर्थ, उसका कहना ये है कि ये बंदा जो है ना, ये अर्थ के इर्द गिर्द ना ऑर्बिट कर रहा था, किसी भी प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था स्पेस क्राफ्ट के अंदर, किसके अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये ऑर्बिट कर रहा था, और इसके ऊपर ना एक फोर्स लग रही थी, वो फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटी की वजह से थी, वो फोर्स कौन सी थी, वो फोर्स ग्रेविटी की वजह से थी, लेकिन ये फोर्स जो थी वो कम थी, वो कम थी एज़ कम्पेयर टू जब वो अर्थ पर खड़ी हुई थी, सही है, ये जो फोर्स उसके ऊपर लग रही थी ना, जहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही थी उसके ऊपर, वो कम थी जो अर्थ के ऊपर थी। अब समझो जरा, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है सारा, भाई इस फील्ड के अंदर सारा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको फील होगी, सही है, अब स्पेस क्राफ्ट के अंदर ऑर्बिट कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स फील हो रही है, फोर्स कौन सी है, फोर्स हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है, वेट, और अर्थ पे क्या है,
अर्थ के ऊपर भी फोर्स फील हो रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे कम हो रही है। अब इस तरह क्यों हो रहा है भाई? जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे ना, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे, जो फोर्स आपके ऊपर लग रही होगी वो भी कम होती जाएगी। सही है। अच्छा अब बताओ, अब वो कह रहे हैं कि कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करो, जैसे बंदा यहाँ अर्थ पे खड़ा हुआ है, वो उठ के स्पेस में चला गया, ऑर्बिट में चला गया। अब बताओ उसका मास किस तरह चेंज होगा, उसका वेट किस तरह चेंज होगा? भाई हमें पता है मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर है। चाहे आप सूरज पे चले जाओ, आपका मास कभी भी नहीं बदलेगा। सही है, आपका मास कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन वेट आपका बदलेगा। जब अर्थ से दूर चले जाओगे तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, जो फोर्स आपके ऊपर लग रही होगी वो कम हो जाएगी, है ना? जो फोर्स आपके ऊपर लग रही होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, मास आपका अनचेंज रहेगा। इन दोनों को आउट कर दो, इन दोनों को आउट कर दो, ठीक है। मास आपका अनचेंज रहेगा, या तो सी होगा या डी होगा। अब मास आपका अनचेंज रहेगा, लेकिन जो आपका वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि आप अर्थ से दूर चले गए। सही है। देखो उन्होंने मेंशन भी किया ना कि भाई ऑर्बिट में जो फोर्स के ऊपर एक्ट कर रही थी वो कम थी एज कंपेयर टू वन जब वो अर्थ पे खड़ी थी। सही है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? समझ आई? ये दो तीन मैं करूंगा पहले, बाकी आप करोगे, आप लोग से कराऊंगा इंशाल्लाह। समझ आई? समझ आई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। समझ आ गई? क्यों? ओके, अगर कोई मसला हो, कहीं भी कुछ समझ ना आए, उसी वक्त पूछ लेना मेरे से। सही है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन is on your screen. सही है, आ जाओ। अच्छा ओके, अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर। भाई गाड़ी हमारे पास, गाड़ी बना लेता हूँ मैं, बनानी नहीं, गाड़ी बनी बनाई पड़ी, मैंने बनाई भी है गाड़ी, गाड़ी 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 गाड़ी। हाँ ये देखो गाड़ी आ गई हमारी। सही है। अच्छा भाई गाड़ी जो है इसने 100 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, कितना? इसने 100 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, ठीक है। अच्छा अभी आ गया काइनेमेटिक्स का सवाल, हमने पढ़ा था ना मोशन। सही है, आ जाओ भाई। इसने 100 किलोमीटर सफ़र तय किया एंड द जर्नी टेक्स 2 आवर्स। जर्नी ने 2 आवर्स लिए, कितने? 2 आवर्स। सही। अच्छा अब वो कह रहे हैं द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द कार इज 80 एंड लोवेस्ट स्पीड इज 40, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अच्छा एवरेज स्पीड निकालें, इन दोनों चीज़ों को भूल जाओ। मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमने एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। मैं अपनी गाड़ी से अपनी खाला घर जा रहा हूँ, बीच में मैंने गाड़ी रोकी, मैंने चाय पी, ट्रैफिक पे रोकी, आधा घंटा ज़ाया हुआ, मैं वहाँ पे 100 किलोमीटर तय करके खाला घर पहुँचा और मैंने 2 घंटे लगाए। जल्दी जल्दी बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, एवरेज स्पीड के लिए भाई हमने क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस। क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल शाबाश, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 100। कितना कवर किया है? 100 कवर किया है ना। और टोटल टाइम कितना लिया है? 2 आवर्स। अब जल्दी से करो, क्या आंसर आता है? हाँ आंसर हमारे पास 50 आएगा, लेकिन 50 के साथ हम लोग यूनिट क्या लगाएंगे भाई? हमने 100 किलोमीटर्स में लिया, 2 हमने आवर्स में लिया, किलोमीटर्स ला के यहाँ लिख दो, किलोमीटर्स ये स्लैश यहाँ ला के लिख दो, पर और आवर यहाँ लिख दो, ठीक है। 50 किलोमीटर्स। ओके एक मिनट। अच्छा 50 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा जी डन हो गया, सही आ गया आंसर। अब देखो 50 किलोमीटर कहाँ में लिखा है? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ यहाँ पर देखो, बी आंसर है सही। मानते हो आंसर बी है? ठीक है आंसर बी है। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। ओके ओके आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा एक मिनट देना, मैं ना एक मिनट में आया, बस एक मिनट देना मुझे ना, तब तक मैं क्वेश्चन लिख के जाता हूँ, निकालता हूँ, ठीक है। आप लोग करो, मैं एक मिनट में आया, एक सेकंड मिल के आया ना। ओके फोर्थ क्वेश्चन था, 1 2 3 4। ओके करो एक क्वेश्चन, शाबाश।
चलो मेरी बड़ी, मैं करता हूँ, मेरी बड़ी आ गई। भाई वेट क्या है, वेट क्या है, वेट भाई वेट जो है, हाँ वेट इज अ फोर्स। वेट का दूसरा नाम क्या है, वेट का दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और बेसिकली है ये भी फोर्स ही, वेट भी जो है एक तरह के फोर्स ही है, सही है। तो वेट क्या है भाई, वेट एक्सेलरेशन नहीं है, वेट जो है मास आपका नहीं है, वेट प्रेशर नहीं है, वेट क्या है आपके पास, वेट है आपके पास फोर्स। क्योंकि जब आप एक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आते हो ना, आपको एक आपके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब आप खड़े हुए हो, क्यों खड़े, आपके ऊपर फोर्स लग रही है, अर्थ आपको मतलब अट्रैक्ट कर रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, वेट इज अ फोर्स। ओके अच्छा आ जाओ, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आ जाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके तो बढ़िया है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। The mass of an object is measured on earth, ठीक है। अब let's suppose मेरे पास ना 5 किलो चावल है, ठीक है, मैंने उन 5 किलो चावल का मास है अर्थ पे मेजर किया, और 5 किलो चावल का भाई मैं उस ऑब्जेक्ट को चांद पे ले गया, एंड मैंने उस चांद पे जाके उसका मास मेजर किया। अब मैंने तो चांद पे जाके उसका मास क्या होगा, जल्दी जल्दी, ओके सेम क्यों होगा, एनी रीजन, बिकॉज़ मास डजंट चेंज, वेरी बढ़ता है मास, ओके मास चेंज नहीं होता, व्हाई मास चेंज, मास चेंज क्यों नहीं होता, इट्स अ मैटर ऑफ मैटर दैट मेक्स अप समथिंग लाइक दैट, सो इट डजंट चेंज इट ओनली द पुल कॉज्ड बाय लाइक द ऑब्जेक्ट जस्ट नियर इज व्हाट चेंज्ड इट। बेसिकली हाँ, बेसिकली मास जो है ना, मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर अ सब्सटेंस पोजेस, ठीक है, और सिर्फ ये उस सिचुएशन में काम होगा, उस सिचुएशन में चेंज होगा जब मैं चावलों को शापर सावर चलाऊ चुरा लूंगा, ठीक है, जब मैं चावल निकाल लूंगा पकाने के लिए तब कम, वैसे कभी भी कम नहीं होगा। आप चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे हर दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, उसका मास कभी भी कम नहीं होगा, मास सेम, मास रिमेन सेम, ठीक है, जो मास है ना बेसिकली, मास रिमेन सेम। Which statement about mass or weight is correct? भाई मास एक फोर्स है, ठीक है, या मास को न्यूटन में मेजर किया जाता है ना, या वेट एक फोर्स है, या वेट को किलो में मेजर करते हैं। अच्छा मास बताओ फोर्स है, मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर, गलत, ये गलत है, मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, हाँ ठीक है। मास को न्यूटन में मेजर करते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, मास को हम मेजर करते हैं केजी में, है ना। अच्छा वेट एक फोर्स है, हाँ वेट एक फोर्स है भाई, वेट इज अ फोर्स, अभी बढ़ा ऊपर भाई, वेट आपके पास एक फोर्स है, अभी बढ़ा। अच्छा वेट को किलो में मेजर करते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, वेट इज अ फोर्स है, तो वेट को फोर्स के अंदर मेजर करेंगे ना, न्यूटन में मेजर करेंगे, आ गया। ओके शाबाश माशाल्लाह, सबको आता है, अभी तो इजी है ना, अभी सबको आ रहे हैं, अभी मुश्किल आएंगे इंशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, अब बताओ भाई व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट क्या होता है भाई, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक मास के ऊपर लग रहा होता है ना, अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मास, क्या यही है वेट, या द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या द इंटरनल एनर्जी, या मास, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा ये ध्यान रखना, मैंने इसलिए कहा था, याद है मैंने क्यों कहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ये वेट के बहुत दूर दूर है, याद है मैंने आपको चीज का इसमें दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम वेट को वेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कह सकते हैं, बट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशन पोटेंशियल अलग अलग चीजें, सही है, ओके यस बिल्कुल, वो एनर्जी है। तुम्हारा सही आंसर क्या हुआ, यस ए अभी तो ईजी है, तो सर मुश्किल है, इंशाल्लाह आने वाले जल्दी आने, 7 क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत सारे क्वेश्चन है।
Which instrument is used to compare the masses of an atom? मैंने 5 किलो चावल लेने जाना है बाजार से, मुझे बताओ मैं किस में तुलवा के लाऊंगा? बैरोमीटर में? भाई ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, जो चीज पढ़ी नहीं है वो मैं ऐसा हो सकता है कभी आपको दे दूं? कभी भी नहीं। मैनोमीटर? भाई ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है तो ये तो हो ही नहीं सकते। भाई मेजरिंग सिलेंडर तो हमें पता है वॉल्यूम निकालता है, तो कौन सा है? ये वॉल्यूम निकालता है, तो सही आंसर क्या हुआ? ऑफ कोर्स ए, बैलेंस, बीन बैलेंस कह लो, टॉप पेन बैलेंस कह लो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब थोड़ा मुश्किल सवाल आया है, इसको जरा मुझसे देखते हैं, सही इधर समझने वाला है, ठीक है समझोगे तो समझ आएगा। देखो यहाँ ये ध्यान से, ये पूरी कहानी लिखी, पूरी स्टोरी लिखी हुई। अ कस्टमर गोज टू अ मार्केट एंड बाय सम राइस, देखो मेरी विश पूरी होगी, ठीक है। एक कस्टमर था जो बाजार गया एंड बाजार जाके उसने चावल खरीदे, जो स्टॉल होल्डर था उसने कुछ चावल जो है डाल के दिए डिश के अंदर, ये डिश है ठीक है, ये डिश है, उसने इस डिश के अंदर चावल डाल दिए, ठीक है अच्छा, और उसके साथ ये हैंग करा था स्प्रिंग बैलेंस, उसने ये किया रीडिंग जो आई रिकॉर्ड कर ली, उसने ये किया रीडिंग को रिकॉर्ड कर लिया, रीडिंग को रिकॉर्ड कर लिया। अब उसने ये किया डिश को खाली किया, अब कस्टमर ने कहा मुझे पास्ता चाहिए, मेरे घर मेहमान आ रहे, सही है, तो उसने ये किया स्टॉल होल्डर ने ये किया, अब इस डिश के अंदर पास्ता डाल दिया, ठीक है अच्छा। स्टॉल होल्डर से सेड रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विद जस्ट पास्ता इन द डिश इज द सेम एज इट वाज विद जस्ट राइस इन द डिश, समझ गए? मैं बाजार गया, मैंने चावल मांगे, उसने डिश के ऊपर चावल रखे, रीडिंग आ गई, मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर ली। फिर मैंने दोबारा कहा उसे पास्ता डालो, उसने पास्ता डाला और दोबारा रीडिंग रिकॉर्ड की, दोनों बार रीडिंग रिकॉर्ड सेम हुई, जैसे मैंने 5 किलो चावल लिए साथ मैंने 5 किलो ही पास्ता लिया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दे बोथ हैव सेम डेंसिटी, या दे बोथ हैव सेम टेम्परेचर, या दे बोथ हैव सेम वॉल्यूम, या दे बोथ हैव सेम वेट, जल्दी से बताओ। अब इसका आंसर ट्रिकी हो सकता है, जल्दी से बताओ। ओके तलाल डी क्यों है? मुझे रीजन चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, सबके आंसर आ रहे हैं, मुझे आंसर नहीं चाहिए। ओके ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन देखो क्योंकि चावल भी हमने एक ही प्लेनेट पे निकाले और पास्ता भी एक ही प्लेनेट पे निकाला और दोनों का मास भी सेम है, तो क्या दोनों के वेट भी सेम होंगे ना, है ना? दोनों के वेट भी सेम होंगे क्योंकि हम सेम प्लेनेट पे हैं, दैट्स व्हाई डी, इसलिए आंसर डी है। अच्छा डेंसिटी जो है डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट होगा बिकॉज हो सकता है ना चावल ज़्यादा जगह घेरे, या फिर पास्ता ज़्यादा जगह घेरे और चावल कम जगह घेरे, है ना? तो वॉल्यूम में डिफरेंस होगा तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, टेम्परेचर और शेयर जाना ही नहीं, है ना? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी। ओके आगे समझ आए सबको, बाकी ऑप्शन आर या वो बहुत रिलेवेंट है, समझ आया कि कन्फ्यूजन है? किसी को समझ आया? किसी को कोई मसला हो यहाँ तक, कुछ समझ ना आए हो तो जस्ट गो अहेड। The mass of an astronaut is 70 kg on moon. What is the mass of the astronaut on earth? अच्छा मैं गया चांद पे, मैंने जाके अपना मास निकाला, मेरा 70 kg आया, अल्लाह ना करे वैसे इतना हो, ठीक है। मैं फिर चांद से दोबारा अर्थ पे आ गया, मैंने अर्थ पे आके दोबारा अपना मास मेजर किया, मुझे बताओ मेरा मास क्या होगा? 7 kg होगा, 70 होगा, 80 होगा, 700 होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ओके या बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू नो मैस नेवर चेंजेस, मैस नेवर चेंजेस, दुनिया के जिस कोने में चले जो, मैस इज एन अमाउंट ऑफ मैटर, मैस क्या है? मैस इज अमाउंट ऑफ मैटर, क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, इट नेवर चेंजेस, वो आप डाइटिंग कर लो अलग बात, ठीक है अच्छा। तो इसका हिसाब से हमारा सही आंसर हुआ 7, क्योंकि अर्थ भी सेम होगा। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अच्छा
एंड 1 kg सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम स्टोर्ड इन लेबोरेटरी. मैंने 1 kg एल्यूमिनियम को स्टोर कर लिया लेबोरेटरी में. इन अ डिफरेंट लेबोरेटरी, एक और लेबोरेटरी में सेम टाउन के अंदर मैंने किया, मैंने 1 kg आयरन को स्टोर कर लिया. सही है. विच क्वान्टिटीज मस्ट दीज टू सैंपल्स ऑलवेज हैव इन कॉमन. क्या मतलब भाई, दो लेबोरेटरी है, लेट सपोज एक डिफेंस में है और लेट सपोज एक काने में है. सही है. तो मैंने ये किया दोनों लेबोरेटरी के अंदर, पहले के अंदर मैंने 1 kg एल्यूमिनियम स्टोर कर लिया, दूसरी के अंदर मैंने 1 kg लोहा स्टोर कर लिया. अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी, एक ऐसी सिमिलैरिटी क्या होगी, दोनों की सेम डेंसिटी होगी ना भाई, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक एल्यूमिनियम है और एक आयरन है. मैंने बताया था कि डेंसिटी वेरीज फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल. अच्छा, सेम टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ पे गर्मी पड़ रही हो सकता है, सर्दी पड़ रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता. लेबोरेटरी का हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, डेंसिटी सेम नहीं होगी, टेम्परेचर भी सेम नहीं होगा. वॉल्यूम नहीं भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम ही चेंज हो सकता है. क्यों? क्योंकि इफ दे कैन हैव डिफरेंट डेंसिटीज ना, तो दे कैन हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स एज वेल. सही है, तो वॉल्यूम भी गलत हो गया. अच्छा, वेट. हाँ, अब दोनों का मास सेम है 1 kg और दोनों सेम प्लेनेट पे है अर्थ, तो वेट सेम होगा ना. वेट सेम होगा क्या मतलब, देखो जरा, जैसे हमारे पास लेट सपोज ये है आयरन है, ठीक है, और ये है हमारे पास एल्यूमिनियम. ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों 1 kg. सही है. अब देखो जरा, अगर मैं इनका वेट निकालू, 1 × 9.8 एंड 1 × 9.8, क्योंकि दोनों सेम प्लेनेट पे हैं, तो मैं 9.8 लिया. मैंने इसलिए 9.8 लिया क्योंकि दोनों सेम प्लेनेट पे. सही. और दोनों का आंसर देखो सेम आएगा, 9.8 न्यूटन्स एंड 9.8 न्यूटन्स. सो दे बोथ हैव सेम वेट है ना, तो दैट्स व्हाई आंसर. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट ऑन योर स्क्रीन. अब भाई मजे का सवाल आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आ गया, मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लाता हूँ, स्क्रीन छोटी हो गई इसलिए ना. अब मजे का सवाल है, इस सवाल का मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली आ गया. थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, पता है क्या, अगर समझ ना आ रही हो ना, ये मैं आपको लाइफ सेविंग ट्रिक बता रहा हूँ, साथ डायग्राम बना लेता हूँ. डायग्राम बना लो कि आपके लिए जिंदगी आसान हो. 2 blocks ऑफ मेटल भाई, 2 ब्लॉक ऑफ मेटल, एक ही है और एक ही, ठीक है. हमने इन दोनों को स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर दिया, मैंने इनको हैंग कर दिया. अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, ये क्या मेजर करता है, ये मैस मेजर नहीं करता, ये वेट मेजर करता है. सही है. अच्छा, ये डायग्राम दिखाई, 2 metals हैं, मेटल एक्स है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आयरन, जो भी पीछे हो गया, इससे मैं कहता हूँ आयरन. और इसमें कहता हूँ एल्यूमिनियम. सही. अच्छा, अब देखो जरा, व्हाट डज दी डायग्राम शो अबाउट एक्स एंड वाई. भाई एक्स एंड वाई के बारे में डायग्राम क्या दिखा रहा है. ओके, लेट्स रीड अ बिट. ठीक है, देखो यहाँ, ए दे हैव द सेम मास एंड सेम वॉल्यूम. देखो, अगर वेट सेम है ना इनका, 3-3, और सेम प्लेनेट पे हैं, है ना. नहीं, कैसे विक्रम, ए कैसे, ध्यान से देखो. दोनों का वेट सेम है. अगर वेट सेम है और सेम प्लेनेट पे हैं, तो दोनों का मास भी सेम होगा. अगर कहते हो, प्रूफ कर देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मास फाइंड करना है, हम मास को सब्जेक्ट बना देते. सही, मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, डब्ल्यू उधर ग्राम, इधर डिमल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एम. वेट कितना है, वेट 3 है ओवर 9.8, इसका भी 3 है ओवर 9.8. निकालो क्या आएगा, दोनों का आपके पास जो मास होगा वो सेम आएगा, 3 divided by 9.8 0.3 kg. देख रहे हो, दोनों का मैथ सेम है. मतलब पहला सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, दोनों का मैथ सेम है. ठीक है, मैथ सेम है.
लेकिन क्या वॉल्यूम सेम लग रहा है? देखो जरा, क्या वॉल्यूम सेम, क्या दोनों सेम जगह घेर रहे? नहीं भाई, एक्स जो है वो कम जगह घेर रहा है और वाई ज्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ग्रेटर है, इसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर वॉल्यूम है, इसका कम है, लोअर है। ठीक है, अच्छा तो क्या मतलब, पहले वाला तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहते हैं दे हैव सेम मैसेज, हाँ मैसेज सेम है, एंड दे हैव सेम वेट, हाँ वेट भी सेम, वेट भी सेम है, हाँ बिल्कुल। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, पहला सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों का मैस सेम है, या भाई एग्जैक्टली सेम है, दोनों का वेट भी सेम है, बिल्कुल दोनों का वेट भी सेम है और वॉल्यूम्स डिफरेंट है, तो क्या ये बात बिल्कुल जैकपॉट वाली होगी ना, बिल्कुल सही वाली बात होगी, है ना। बाकी पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं, सही आ जाओ भाई। दी हैम सेम मैसेज, हाँ मैसेज सेम ही है, वॉल्यूम सेम नहीं ना है, वॉल्यूम सेम नहीं है भाई, वॉल्यूम हमारे पास सेम नहीं है। दे हैव सेम वेट, हाँ वेट सेम है, एंड दे हैव सेम, नहीं भाई वॉल्यूम्स हमारे पास सेम नहीं है, तो क्या आंसर सही आया हमारा, हमारा आंसर सही आया बी। ओके, इज इट क्लियर, समझ आई सबको, समझ आई सबको, समझ आ गई? लाइक इट वॉज काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, आई होप समझ आ गए हो, आ गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं और टाइम कम है, जल्दी करते थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा भी देखो, अ स्टूडेंट, ओके, अ स्टूडेंट स्टैंड्स विद बोथ फीट ऑन सम स्केल इन ऑर्डर टू मेजर हिज वे, ठीक है, the reading on the scale is 500 newtons, he lifts one foot of the scale and kept, अच्छा आप जो बच्चे होते हैं ना आजकल वाले, वो आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है मैं खड़ा हूँ, मुझे बताओ मेरे नीचे क्या है, ये एक बीन बैलेंस, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वेट मेजर, मेरा वेट जहाँ पे आया है 500, अच्छा अब मैंने ये किया, मैंने अपना एक पाउंड उठा लिया, मैंने ये किया, चलो मैं उठा अपने सिस्टम तोड़ देता हूँ, सही है, अच्छा मुझे बताओ क्या वेट में फर्क आया होगा। वो कह रहे एक बच्चा था मेरी तरह, उसने ये किया एक कुछ स्केल्स के ऊपर ना खड़ा हुआ दोनों पाँव रख के, उसका जो वेट आया 500 था। अब उसने क्या किया, दोबारा खड़ा हुआ, उसने अपना एक पाँव उठा लिया, अब बताओ वेट में चेंज आएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ वेट में कोई मस, ओके देखते हैं, अच्छा ओके ये नया कैरी कोई चीज नहीं आएगा। ओके देखो भाई, चाहे आप 1 फीट रखो चाहे 2 फीट रखो, आप जब दोनों पाँव पे खड़े होगे ना, आपका पूरा का पूरा मैस दोनों टांगों पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक टांग पे भी खड़े होते हो ना, आपका मैस और वेट सेम रहेगा, आपका पूरा बॉडी का वेट एक टांग के ऊपर आ जाएगा। अगर देखो जरा सुनो, अगर अगर इस तरह की बात होती, अगर आपका एक पाउंड उठाने से आपका वेट आधा हो सकता था, तो सोचो जरा, अगर दोनों टांगों पे खड़े हो तो आपकी टांगों पे मैस डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर एक टांग उठा लेते हो तो आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आप सिर्फ 5 से 6 सेकंड खड़े हो पाते हो और गिर जाते हो, है ना। तो बेसिकली आप चाहे एक उंगली पे खड़े हो जो, आप चाहे एक उंगली पे खड़े हो जो, आपका मैस वेट बिल्कुल सेम रहेगा, सही है, आ जाना। तो क्या होगा 500 meters, इसकी मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, सही है। आप मुझे एक घंटा दोनों टांगों पे खड़े हो, देखो आप खड़े हो जाओगे, एक टांग पे कभी खड़ी नहीं हो पाओगे, सही। ओ समझ आ गई विक्रम, समझ आई? यस सर, बेसिकली मुझे जितना एरिया में वेट ऐड करा है वो बोल दिया, यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके अच्छा, ओके
चाइल्ड सिट्स ऑन अ रबर बॉल ठीक है एंड बाउंसेस अप एंड डाउन ऊपर नीचे सही व्हाट सेज इज सेम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो क्या चीज सेम रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल अच्छा बॉल ना ऊपर से आ रही नीचे की तरफ जा रही स्पीड उसकी एकदम डिक्रीज हो रही जब स्पीड डिक्रीज जब स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा ना ऐसा ही है ना ये बॉल ऊपर से नीचे जाएगी जब बॉल ऊपर से नीचे जाएगी तो जब जमीन से टकराएगी एकदम रेस्ट पे आएगी क्या आएगी एकदम रेस्ट पे आ जाएगी रेस्ट पे आने की वजह से स्पीड एकदम डिक्रीज होगी और अगर स्पीड में चेंज आएगा तो क्या होगा आपके पास एक्सेलरेशन भी चेंज आएगा शेप जब नीचे जाओगे तो बॉल की शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी इस तरह की शेप हो जाएगी शेप भी चेंज होगी भी गलत है ये भी गलत है वेलोसिटी भी चेंज हो रही अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है ऑफकोर्स है ना अच्छा मैस भाई मैस इज एन अमाउंट ऑफ मैटर विच नेवर चेंजेस सही है तो मैस नहीं चेंज होगा अनलेस अंटिल बोट भर जाए ओके यस बिल्कुल अच्छा सबको समझ आ रहा नहीं है ना समझ ना आ रहा हूँ मैं करवाई जा रहा हूँ मेरे साथ साथ ना बता दीजिए टाइम ही ना है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इंशाल्लाह 7:30 तक जितने हो सके हम लोग कर लेंगे सही है आ जाओ ओके अभी टाइम है अभी 20 मिनट है हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 अब देखो जरा ये क्वेश्चन मजे के अ हॉट कप ऑफ लिक्विड भाई मेरे पास एक कप है लेट्स सपोज चाय है क्या है चाय चाय सम ऑफ द हॉट लिक्विड इवेपोरेट्स भाई हमारे पास चाय थी बना लेता हूँ मेरे पास चाय का कप था इसके अंदर चाय थी ठीक है अब बहुत सारी चाय जो है भाप बन के उड़ गई क्या हुआ चाय भाप बन के उड़ गई सही है अच्छा बट हैपेंस टू द मास एंड टू द वेट ऑफ द लिक्विड इन द कप ओके अब ये चीज़ भाई गौर करने वाली है सवाल जरा यू नो थोड़ा मुश्किल आ गया मैं आपको समझाता हूँ ठीक है चला गया भाई आपके पास कप है इसके अंदर चाय अभी चाय जो है ना ये भाप बन के उड़ गई काफी ज्यादा चाय जो है भाप बन के उड़ गई अब इसे एग्जांपल दो आप चूल्हे पे पतीली चढ़ाते हो आप चूल्हे पे पतीली चढ़ा के पानी डालते हो और आग फुल तेज कर दो यू विल सी आफ्टर सम टाइम अ लॉट ऑफ वाटर विल बी डिसअपीयर कहाँ गया वो भाप बन के उड़ गया ना तो बिल्कुल ऐसी थोड़ी बहुत चाय जो है भाप बन के उड़ गई और जब चाय थोड़ी सी भाप बन के उड़ गई थोड़ी चाय कम हो जाएगी है ना फिर लड़ोगे भाई मेरी चाय कम गई है ना तो जब थोड़ी चाय भाप बन के उड़ेगी तो पीछे चाय का मैस भी डिफ्यूज हो जाएगा है ना बच्ची को जो चाय होगी चाय कम हो जाएगी जब चाय कम होगी तो मैस भी कम हो जाएगा जब मैस कम होगा तो ऑफकोर्स वेट भी कम होगा राइट सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द करेक्ट आंसर भाई मैस डिक्रीज होगा बिल्कुल मैस डिक्रीज होगा वेट भी डिक्रीज होगा तो द करेक्ट आंसर इज ए मुझे बताओ समझ नहीं आई क्या किसको समझ नहीं आई समझ नहीं आई देखो सुनो ठीक है अच्छा विक्रम देखो आपने चूल्हे पे ना पतीली रखी आपने उसके अंदर पानी डाला अब वो पानी जो है इवेपोरेट होके उड़ गया भाप बन के उड़ गया ना तो पानी की क्वांटिटी कम होगी ना बताओ मुझे है ना तो बिल्कुल चाय में जो चाय थोड़ी सी है इवेपोरेट होके उड़ गई तो चाय की क्वांटिटी कम हो जाएगी ऐसा ही है ना अब लेट सपोज करो कि आपने वही चाय दोबारा पूरी कप भरी हुई आपने एक स्केल के ऊपर रखी और जितनी उड़ी थी ना आपने मैनुअली निकाल दी तो बैलेंस के ऊपर वेट मैस कम होगा ना उसका जब थोड़ी क्वांटिटी उड़ गई है ना तो उसका श्योर मैस कम हो जाएगा और जब मैस कम हो जाएगा लेट सपोज मैस इसका रह गया पहले इसका मैस था लेट सपोज पहले कह लो पहले इसका मैस था 3 kg अब रह गया 1 kg ऐसा मुमकिन तो नहीं है लेकिन बस समझ लो समझाने के लिए एक मिनट लीजिएगा 1 kg रहे सही है अच्छा देखो मैस कम हो गया ना और जब मैस कम होगा तो फिर आपके पास शोर जो है वेट भी कम हो जाएगा जैसे इसका वेट क्या बनता है 3 × 9 पहले 29 था और जब उड़ गया तब कितना हो गया
माइंड पर हेड रह गया है ना। देखो जब मैस कम हुआ आपके पास तो वेट भी कम हो गया ऑफ कोर्स है ना, दैट्स व्हाई। अब समझ आया आंसर ए क्यों है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा, बस हमने थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा बहुत मास का पढ़ा था, वो बोलते कि मास इज ऑलवेज कंजर्वड, बट इस केस में नहीं 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 ये किस जगह है? मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व, ये बात है एनर्जी की, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। नहीं नहीं देखो ना, मास जो है वो इवेपोरेट हो गया ना, तो वो एयर पार्टिकल से बदल गया, वो वाटर वेपर से बदल गया है ना, वाटर वेपर बन जाएगा ना मास जो है। देखो ना पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल्स जो है लॉस नहीं होगा, मास मास जो है जब चाय में से चाय भाप निकली तो वो इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाएंगे ना, वाटर पार्टिकल्स बन जाएंगे, एयर में जाके मिल जाएंगे, फिर वो भाप बन जाएंगे वो। छोड़ दो आपका सिलेबस मैंने नहीं करवाया। प्रेशर को किसमें करते हैं भी नहीं कराया, छोड़ दो। वेट को करते हैं, वेट क्या है, वेट फोर्स है, और फोर्स को किसमें करते हैं, न्यूटन में करते हैं, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। ओके आ जाओ आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके अभी क्वेश्चन मिलेगा। A geologist, places a small rock on the left hand of the pen. भाई उसने यहाँ पे छोटा सा पत्थर रखा, ठीक है? Okay. The two pens are level. ये level है, बिल्कुल level. अब level का मतलब क्या है कि जब आपके पास इधर और इधर की चीजें टॉप पेन बैलेंस में level हो जाए, इसका मतलब क्या है? They both have same masses. They both have same masses. क्या मतलब? They both have same masses. सही है? अच्छा. Now. The two pens are level as shown when masses with total weight of 32 newton are placed on the right hand side. अब देखो जरा भाई, हमारे पास ये masses जो है ना, इसका weight है 32 newton. क्या है? 32 है ना? हाँ नहीं 23 sorry sir, उल्टा लिख दिया। Yeah I'm sorry, I got it. Okay. This is 23 newton. सही है? Okay. इन masses का total weight क्या है? 23 newton. अब वो मेरे से पूछ रहे हैं, अब देखो जरा, take वेट ऑफ 1 kg टू बी 10 newton. अब देखो एक अलग तरीके है आपको कंफ्यूज करने का, इन्होंने ग्रेविटेशन फ्यूजन बताई कि आप 10 लोगे, 9.8 की जगह 10 लोगे, सही है? अच्छा अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि हमें बताओ इस रॉक का मास क्या है। अब क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों सेम प्लैनेट के अंदर है, कहाँ पे? दे बोथ आर ऑन द सेम प्लैनेट, सेम प्लैनेट पे, तो क्या होगा? दोनों का वेट सेम होगा, क्या होगा भाई? दोनों का वेट सेम होगा 23 न्यूटन। अब इस 23 न्यूटन को हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? W इज इक्वल टू एम जी। आपने क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। आप सिंपली मास में सब्जेक्ट बना लो, ग्रेविटी जी जो है मल्टीप्लाई होने का डिवाइड होगा, W ओवर जी इज इक्वल टू मास है ना। अब अपनी सारी वैल्यूज प्लग इन कर दो, जो जो है भाई, वेट पता है, वेट कितना है 23 है, आपको पता है ग्रेविटेशन फ्रिक्शन कितनी है 10 है, इज इक्वल टू आपको आपका मास मिल जाएगा। So 2.3 is your correct answer. सही है। Is it clear now? समझ आई? समझ आई दलाल अनाया? Okay, सही हो गया। अच्छा भैया आ जाओ। मैं आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। देखो यहाँ पे। A box X full of large granite rocks. भाई इसके अंदर बड़े-बड़े granite rocks हैं, ठीक है? An identical box Y is full of small granite chippings. छोटी-छोटी चीजें, दोनों same material. They both are same material, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है? उसके छोटे-छोटे छोटे-छोटे pieces हैं, है ना? और इसमें क्या है? कि उसके बड़े-बड़े pieces हैं. अब बताओ किसका weight ज़्यादा होगा? किसका basically mass ज़्यादा होगा? किसका weight ज़्यादा होगा? जल्दी जल्दी बताओ,
क्या लगता है किसका वेट ज्यादा होगा, बॉक्स एक्स का के बॉक्स का? मुझे आप लोग बताओगे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। मेरे पास दो बॉक्सेस थे, मैंने दोनों में चिपिंग्स डाल दी भाई, दोनों चिपिंग्स जो है दे आर ऑफ सेम मटेरियल, दे आर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है भाई। इसमें क्या है, बड़े बड़े पीसेज हैं, इसमें छोटे छोटे पीसेज हैं, कौन सा भारी हो सकता है? बॉक्स एक्स भारी हो सकता है कि बॉक्स वाई? या डेंसिटी सेम है, लेकिन देखो ना आप हमें देखो, इसमें बड़े बड़े पीसेज डाले मैंने, इसमें छोटे छोटे पीसेज डाले, ठीक है, कौन सा भारी हो सकता है? डेंसिटी की बात नहीं हो रही, कौन सा भारी हो सकता है? एक्स भारी होगा कि वाई भारी होगा? ओके ये एक्स भारी होगा, चले देखते हैं देखते हैं देखते हैं, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे ना सबसे आंसर चाहिए, यहाँ तकरीबन 7 लोग बैठे हुए हैं और मुझे सबसे आंसर चाहिए। मैं आंसर के लिए बैठा हूँ, मैं और किसी चीज के लिए बैठा हूँ, मैं आंसर लेके ही जाऊंगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, के कौन सा भारी हो सकता है, एक्स भारी हो सकता है कि वाई भारी हो सकता है? तलाल, तलाल भाई कहाँ चले गए? अयान भाई कहाँ चले गए? वेल सबको एक्स लग रहा है। ओके अब देखो यहाँ देखो, अच्छा एग्जाम्पल लो, आपके पास ना बड़े बड़े पेबल्स हैं, पत्थर हैं, सही है, आपने उनको डब्बों में डाल ली, ऐसे ही एक और डब्बा है, आपने उसमें बजरी देखी ना, बजरी, आपने उसमें बजरी डाल दी, वही पेबल्स को तोड़ तोड़ के बजरी बना के ना आपने बजरी डाल दी। पहली बात मुझे बताओ कि जो बड़ा डब्बा होगा ना जिसमें आपने बड़े पेबल्स डाले होंगे, सही है, उनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होगी। पहली बात तो इरेगुलर है, इंटर तो नहीं, इनको मैं ऐसे करके रख दूंगा बिल्कुल, सही है, इरेगुलर है, इरेगुलर शेप है, तो इनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा हो, ज्यादा स्पेस इनके दरमियान हो, लेकिन जो छोटे 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 होंगे बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे अंदर जाके, उनके दरमियान स्पेसिंग बहुत कम हो, सही है। तो इस तरह क्या होता है, आपके पास जब बड़े बड़े पीसेस डालते हो ना, आपके पास दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा होती है, दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा होती है, इसमें आपके पास दरमियान में स्पेसिंग थोड़ी है, ठीक है, देख सकते हो स्पेसिंग यहाँ पे थोड़ी, यहाँ बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए, सही है। तो क्या होगा बेसिकली, आपके पास क्या होगा, डेंसिटी का खेल है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास सेम वॉल्यूम में क्या है कि ज़्यादा मैटर आया हुआ है, यहाँ पे कम मैटर है, लो मैटर, ठीक है, और यहाँ पे हाई मैटर, ज़्यादा मोर मोर मैटर मोर, ठीक है। तो होता क्या है, एक्स में स्पेस कम है, ज़्यादा है सॉरी, और वाई में स्पेस बहुत कम है, साथ साथ जुड़े। तो अब देखते हैं, आ जाओ भाई, पहली बात तो हैवी कौन होगा? देखो इसके अंदर ना ज्यादा मैटर आ जाएगा, ज्यादा मैटर आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो साथ साथ जुड़ जाएंगे, बड़े बड़े जो है बीच बीच में स्पेस रह जाएंगे, सही है। तो इसमें ज्यादा मैटर आ जाएगा, मोर मैटर आ जाएगा, तो जिसमें ज्यादा आएगा कौन सा, हैवी कौन सा होगा? हैवी आपके पास होगा एक्स वाला, सॉरी 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 एक्स नहीं, एक्स हैवी नहीं होगा, या तो वाई हैवी होगा, या तो ये वाला वाई हैवी होगा, ये वाला वाई हैवी होगा, देखते हैं। अच्छा अब वो कह रहे हैं रीजन बताओ, अब देखो जरा, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि the density of the chipping is greater than a rock, नहीं देखो सेम मटेरियल है, क्या है, they are made up of same material, अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, है ना, ये गलत। तो आपका करेक्ट आंसर आता है सी। दोबारा समझो एक बार, आपने बड़े बड़े पेबल्स ले लिए, आपने डब्बों में डाल दिया, उन पेबल्स के दरमियान स्पेस रह जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन उसकी बजरी बना लेते हो ना आप, उसको डब्बों में डालते हो तो बहुत ज़्यादा की तादाद में आ जाएंगे, और पेबल्स ज़्यादा आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, सही है, काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। होता क्या है, जब बड़े बड़े पीसेस डालोगे उनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा रह जाएगी, लेकिन जब छोटे 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 डालोगे उनके दरमियान स्पेसिंग कम होगी, बहुत कम स्पेसिंग, जो साथ साथ चिपक जाएंगे उसमें, जिसकी वजह से हमारा आंसर सी बन रहा है। समझ आई कि नहीं मुझे बताओ, समझ आई कि नहीं? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ आई कि नहीं बताओ, समझ आई कि नहीं? वेल कंफर्म कर दो, ओके चलो अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, डेंसिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फोर ब्लॉक्स, 1 2 3 4 ब्लॉक्स, सही है, ईच मेड फ्रॉम अ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए, आर प्लेस ऑन स्केल्स एंड बैलेंस एज शोन इन द डायग्राम, ये बैलेंस है सारे, सारे बैलेंस, मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका जितना मैस है
इज इक्वल टू द मास एट दिस साइड, ठीक है, अगर इतना मास इसका है उतना मास इसका भी होगा, सारे बैलेंस। अब बताएं सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? भाई हमें बताया डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सबकी निकाल लेते हैं, ऐसे गलती मत करना, इस सवाल में तकरीबन 2 मिनट लगेंगे अगर खुद करके देखो, अगर टुक्का मारा ये शॉर्टकट्स पे गए ना तो फिर मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आप हाथ से जाओगे मार्क्स, सही है, ओके। मैथ है आपका, मैथ है 200, देखो देखो यहाँ पे बैलेंस हुए हैं, बैलेंस हुए हैं, तो जितना मैथ इसका होगा इसका भी उतना मैथ होगा, तो 200 आपके पास मैथ है, ओवर आपके पास वॉल्यूम कितना घेर है 100, करो ज़रा क्या आता है भाई, आपके पास आएगा 2, और क्या लगेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या आपके पास ग्राम है, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ग्राम, सॉरी मैंने गलती कर दी, 200 आपका मैस, ये मैस है और ये आपके पास जो है ना इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ नजर आ रही सबको ना, ये पहले वाले की डेंसिटी आगे आ गई, अब इसकी निकाल दो, इसकी निकाल के आ जाओ भाई, मैस अपॉन वॉल्यूम में मैस कितने, क्योंकि बैलेंस हुए भी हैं, जो मैस यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो बेसिकली क्या होगा 250 ओवर 200, है ना, वॉल्यूम मैस और वॉल्यूम लगाओ, 250 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आ गई इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ, आ गया, अब यहाँ देखो बैलेंस है, जो मैस यहाँ पे है मैस यहाँ पे भी होगा, तो 350 ओवर 400 0.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी हेल्प कर दे दो, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख भाई बैलेंस है, तो जो मैस यहाँ पे होगा मैस यहाँ पे भी होगा, सही, तो 300 ओवर 300 क्या आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब मुझे बताओ किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, चाहिए सबसे ज्यादा है, जल्दी से बताओ, ये सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी, ये माशाल्लाह बिल्कुल ए इज योर करेक्ट चॉइस, सही है, ए आपकी करेक्ट चॉइस है भाई, बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल ए इज योर करेक्ट आंसर, देख रहे समझ आ गया, सही, सो वी आर डन फॉर